बिहारी मिथिला की धरी ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की धरी ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की एक बात है राम जी बड़े बलशाली हैं हाँ हैं सुना है बलशाली कह जग जस गावे लेकिन तोरत सुमन पसीना आवे अस विक्रम की बलिहारी गारी मिथिला की अस विक्रम की बलिहारी गारी मिथिला की दानि शिरोमणि महिमा मंडित फुलवारी मा पुष्प चयन हित बने मलियन आगे भिखारी गारी मिथिला की धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की राम जी की महिमा ऐसी है जनकपुर आते समय मार्ग में अहिल्या का उद्धार कर दिया कितना बड़ा चमत्कार सखियां बोली क्या हाँ मग महमुनी मध्य शिला के प्रगट करी पग धूरी छुला के हो राज कुंवर या मदारी गारी मिथिला की हो राज कुंवर या मदारी गारी मिथिला की धनुष यज्ञ सुनि ब्याह उमंग में बिनु चिठी कौशिक मुनि संग में बनियाए कमंडल धारी गारी मिथिला की धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की सुंदरता अभिमान में सीना पानी चले पर आयो पसीना निरखी जब जनक दुलारी गारी मिथिला की धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की ये मधुर गाली देने के बाद मिथिला की देवियां एक ही बात कहती हैं क्षमहु चूक हम गाली तो दे रही हैं सो ठीक है लेकिन हमारी इस चूक को क्षमा करना क्षमहु चूक राजेश जुयाते गाली देत सियाजू के नाते
श्री किशोरी जी के नाते आपको गाली देती हैं। तुम्हारी हम सरहज सारी गारी मिथिला की, तुम्हारी हम सरहज सारी गारी मिथिला की धरि ध्यान। सुनो धनुधारी गारी मिथिला की धरि ध्यान, सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। इसलिए मिथिला के माली भी कहते हैं, आप श्री सीता जी की जय बोलिए तब बगीचे में प्रवेश मिलेगा। दोनों भैया मुस्कुराते हैं। चौंदिस चितई पूछ माली गण लगे लैन दल फूल मुदित मन। यह जो पुष्पवाटिका प्रसंग है, श्री तुलसीदास जी महाराज अपने तरह से इसे प्रस्तुत करते हैं और इस प्रसंग पर श्रीमद् भागवत के एक प्रसंग का पूरा प्रभाव है और वह है श्री रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी का प्रसंग पढ़कर ही श्री तुलसीदास जी पुष्पवाटिका प्रसंग लिखते हैं। देखो पुष्पवाटिका प्रसंग भी भकार से शुरू है। भूप बाग बर देखे उजाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। और रास पंचाध्यायी भी भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान अपि, भगवान भी उस रात्रि को। अच्छा देखो कितना बढ़िया संकेत है। जैसे यहां श्री सीता जी की जय बोलिए तब आपको बगीचे में प्रवेश मिलेगा और वहां भगवान भी गोपियों का दर्शन करना चाहते, भक्तों का दर्शन करना चाहते भगवान आप ही। अब यह कितनी अद्भुत बात है। अद्भुत बात यह है कि जो भगवान को पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वे तो बड़भागी हैं ही, पर वे कितने बड़भागी हैं जिन्हें भगवान देखना चाहते हैं। आहा, गोपियों का दर्शन भगवान करना चाहते हैं। ये मर्यादा तो यह है कि भक्त भगवान के दर्शन के लिए जाए, नियम से जाए, फिर दर्शन पाए। पर यहां भगवान गोपियों को बुलाते हैं, तो बुलाएं कैसे? तो भगवान ने अपने में मन उत्पन्न किया। भगवान अपि तारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु का वर्णन है। और पुष्पवाटिका में भी तुलसीदास जी ने बसंत ऋतु का तो वर्णन किया, पर शरद ऋतु को भी ले आए। शरद ससिंजनु चितव चकोरी, जैसे शारदेन्दु भगवान का मुखचंद्र, यह ले आए। भगवान आपी तारात्रि, भगवान ने भी बांसुरी बजाई। और बांसुरी क्या है? योग माया। माया का अर्थ है जो भगवान से जोड़ दे। माया के भी दो रूप हैं, विद्या और अविद्या दो। ये विद्या माया तो भगवान से जोड़ने वाली है। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया, सब गोपियों को बुलाया। अच्छा अब ये देखो प्रेम की लीला है। ये रात्रि का समय, यमुना जी का किनारा, सुंदर इंदु चंद्रदेव छिटक रहे हैं चारों तरफ, जगमग जगमग। और यह जो कथा है भगवान से कामदेव का युद्ध हुआ है। ये काम भी बड़ा विचित्र है, मिलता जुलता तो नाम रखा। किसी ने कहा भगवान का नाम है राम, तो ये बोला हमारा नाम है काम। कहा भगवान बड़े सुंदर हैं, सहज सुंदर सांवरो,
काम बोला हम भी सुंदर हैं। अरे कहा कि उनके बारे में भगवान शंकर कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। काम बोला हमारे बारे में भी शंकर भगवान कहते हैं बिनु बपु व्याप ही सब ही पुनि। हमारे बारे में भी कहा कि बिना शरीर का हो के सबको व्यापेगा। ये बिल्कुल राम जी की तरह। अरे राम जी धनुषबाण लिए हैं तो काम कुसुम धनुषायक लीन है। राम जी के बस में सारा संसार की तुम अखिल भुवन पति और काम सकल भुवन अपने बस कीन है। और इसीलिए पुष्प वाटिका में भी काम आया। भगवान ने जब श्री जानकी जी को के आने की धुन सुनी तो कहने लगे मानव मदन दुंद भी दीन ही मनसा विश्व विजय कहाँ कीन ही। वह विश्व विजय करना चाहता है और विश्व में एक एक को कहाँ तक जीते विश्व रूप रघुवंश मणि इसलिए यह आक्रमण करने आया है। लक्ष्मण जी ने कहा तो क्या काम आप तक आ जाएगा? हमने तो सुना है जहाँ राम तहाँ काम नहीं। श्री राम जी ने कहा आज आ जाएगा। क्यों? उसने श्री सीता जी के चरणों में जो पैजनी है उनके नूपुरों में अपना स्थान बना लिया है। तो जो श्री जानकी जी के चरणों का आश्रय ले लेता है वह काम ही क्यों ना हो राम जी तक पहुंच ही जाता है। अच्छा जब काम श्री जानकी जी के चरणों का आश्रय लेकर राम जी तक पहुंच जाए तो कोई कामी क्यों नहीं जानकी जी के चरणों का आश्रय लेकर राम जी तक पहुंच जाएगा? कामी क्रोधी लोभी मोही ये सब श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय लेकर पहुंच जाते हैं। माँ की बड़ी महिमा है। एक कवि ने कहा माँ तो सबकी माँ होती है इसमें मुझको क्या कहना है, और यदि कहना है तो यह कहना है कि मेरी माँ का क्या कहना है। श्री जानकी माता। एक भक्त कहते हैं किशोरी युवकों का जाने मति मंद जनक किशोरी कृपा करे बिन द्रवेण कौशल चंद। सिया जूकों जेजन जान चुके तिनका रसिक लाल रघुनंदन आपन मान चुके। काम यहां भी आया पर काम श्री सीता जी के चरणों में समर्पित होकर प्रेम बन गया। और काम रास पंचाध्याय में भगवान की लीला में भी आया। भगवान ने कहा कि हमसे युद्ध? हां, भगवान ने कहा हम तैयार हैं। तो कमरे में लड़ोगे कि मैदान में? तो काम ने कहा मैदान में। भगवान ने कहा हम तैयार। लेकिन काम बोला रात्रि का समय होना चाहिए। तदनंग वर्धनम, वह समय हमारे लिए अनुकूल होगा। भगवान ने कहा रात्रि का समय। काम बोला यही के एक परम बल नारी गोपियों को इकट्ठा करो। भगवान ने कहा ठीक है। गोपियां परिस्त्रियां सब इकट्ठी की। इसीलिए तो शंकर जी देखने आए। शंकर जी ये लीला देखने आए, इंद्रादि देवता ये लीला देखने आए कि काम के अनुसार भगवान प्रत्येक शर्त स्वीकार करते हुए भी जिनमें काम उत्पन्न न हुआ हो ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। काम ही मूर्छित हो गया और भगवान मनोज मोहन कहलाए, अच्युत अविकारी। और यह लीला देखने के लिए कोई साधारण नहीं, कामारे शंकर भगवान आए। अच्छा इस लीला की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? माला विभूषण वस्त्र आदि के गिर गए कब अंग से, भूली सभी सुध गोपियां प्रिय अंग के सो संग से। श्री कृष्ण के चिंतन में रत श्री कृष्ण में ही खो गई, श्री कृष्ण की वे बल्लभा श्री कृष्ण मय ही हो गई। अच्छा अब आप विचार करो, रास पंचाध्याय की फलश्रुति है श्रीमद् भागवत में कि इसका जो पारायण करेगा पाठ करेगा उसका मन विकारों से मुक्त हो जाएगा। और उसमें जिन प्रसंगों का वर्णन है उससे मन मुक्त कैसे हो? अरे भाई इसका अर्थ समझना होगा। इसीलिए हम कहते हैं हमारे आदरणीय श्री दीनानाथ चतुर्वेदी जी ने उस दिन याद दिलाया था कि रामचरित मानस हंस संहिता है और श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता है।
यहां यहां भेद नहीं है, परमहंस कैसे। चलो मैं एक उदाहरण आपको दूं। आप बाहर से निकले चले जा रहे थे, एक कमरा था, कमरे की किवाड़ लगे थे, भीतर से आवाज आई, आप खड़े होकर सुनने लगे, कोई पुरुष धीरे धीरे बोल रहा था और महिला उसका जवाब दे रही थी और दोनों ऐसी बातें कर रहे थे जो बड़ी आपत्तिजनक लग रही थी। तो दो ही स्थितियां होंगी, या तो आप रसानुभूति लेकर श्रवण करेंगे या आपको क्रोध आएगा कि कौन है ये भीतर। और मान लो किसी को क्रोध आया कि गलत हो रहा है, खोलो दरवाजा, कौन है। अंदर से कोई कहे खुला ही हुआ है, चले आओ, बंद ही नहीं था भीतर से। दरवाजा खोला और देखा एक आदमी, वो दूसरा कहां है जिससे तुम बात कर रहे थे, देख लो। पूरे कमरे में खोजा, मिला ही नहीं दूसरा, तो बड़ा हैरान हुआ कि फिर दूसरा था, हमने तो अपने कानों से सुना, और ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो मुस्कुराया, तो मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा कलाकार था को स्वयं ही पुरुष बनकर बोलता था, स्वयं ही महिला बनकर बोलता था, कभी महिला बनकर बोले कभी पुरुष बनकर बोले। और जैसे ही आपको यह पता लगेगा तो आप हंस पड़ेंगे कि और हाथ जोड़ेंगे कि भैया गजब है तुम्हारी कला, तुम ही महिला बनते हो, तुम ही पुरुष बनते हो, और जबकि दो होते ही नहीं हैं। और बस यही रासलीला की बात है कि भगवान श्री गोपी और श्री कृष्ण दो दिखाई दे रहे हैं, पर ये दो हैं ही नहीं, श्री कृष्ण ही गोपी, गोपी ही कृष्ण। और जहाँ द्वैत है ही नहीं वहाँ विकार कैसा, और जहाँ विकार नहीं तो रास पंचाध्यायी श्रवण करके मन विकार मुक्त हो जाता है। सर्वत्र भगवान, भगवान ही भगवान। और मैं भी आपसे कहूं कि भगवान ही भगवान रह जाए तो काम तो मूर्छित हो ही जाएगा, क्योंकि द्वितीया द्वयम भयम भवति, दो में ही विकार की संभावना रहती है। एक वकील साहब का बेटा कहता था, पिताजी अकेले में हमें बड़ा डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो वकील साहब तार्किक, अकेले में किसका डर लगता है, हमको तो अकेले में ही डर लगता है, किसका डर लगता है। तो बोला हमें भूत का डर लगता है। तो वकील बोले फिर अकेला कहां रहा, एक तू दूसरा तेरा भूत, डर शुरू। आप जैसे ही दो को निर्मित करेंगे भय शुरू हो जाएगा, दो को निर्मित करेंगे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर शुरू हो जाएंगे। अगर एक ही एक रह जाए, दो नैनों का यही संदेश कि यह भी देख और वह भी देख, और देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुविधा, रह जाए एक, ये श्री कृष्ण की प्रेम लीला है। दो तो हैं पर उसके बाद भी दो दो नहीं है, और तब क्या है, ना नदी बची ना समुद्र, न प्रेमी बचा ना प्रेमास्पद, बस प्रेम ही प्रेम, प्रेम परम प्रेम ऐसा छा जाए, यह भगवान श्री कृष्ण की लीला की सुगंध है। रामचरितमानस में भी एक उदाहरण है, खरदूषण त्रिशिरा आदि राक्षस 14,000 राक्षसों को लेकर राम जी पर आक्रमण करने आया। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण श्री जानकी जी को गिरी कंदरा में ले जाओ, क्यों, शत्रु मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, शत्रु आक्रमण करने आए तो अकेले रह जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं सहयोगी हूँ, श्री सीता जी आपकी शक्ति हैं और आप इन दोनों को अलग कर रहे हैं। राम जी ने कहा कि हम बाद में बताएंगे, अकेले रह जाना ही ठीक है। सबको भेज दिया, लक्ष्मण जी भी सीता जी भी चले गए और राम जी अकेले। और जैसे ही राम जी अकेले, अब देखो राक्षस आए और उन्होंने देखा कि राम जी अकेले। भगवान ने इतना बढ़िया कौतुक किया, धनुष बाण नहीं उठाया, ना धनुष पर बाण चढ़ाया, ना राम जी ने एक लीला की, सब में प्रकट हो गए। और जब सब में प्रकट हुए तो राक्षस एक दूसरे में राम जी को देखते, और जैसे देखे ये रहे मारो, और उसे इनमें राम जी दिखे, अरे ये रहे मारो। भगवान देखते रहे और राक्षस आपस में युद्ध करके समाप्त हो गए। करी संग्राम रिपुदल लरी मरियो, समाप्त तो हो गए। और कितना सुंदर संकेत मिला,
संकेत यह है। इसी तरह 14,000 राक्षस राम जी पर आक्रमण करने आए थे। हमारे जीवन में भी हजारों बुराइयां हैं, पर मैं आपसे कहता हूं कि सारी बुराइयां मिट सकती हैं अगर हम एक दूसरे में राम देखने लगे। इसीलिए हम लोग प्रणाम करते तो क्या बोलते हैं, राम राम, इधर भी राम और उधर भी राम, राम राम बोलते हैं। और राम जी सब में दिखाई दें, सब में उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत के हिसन करहीं विरोध। यह लेकिन कई बार अच्छा वैसे भी देखो तो अद्वैत ही है। ज्ञान यही कहता सर्वम खलविदम ब्रह्म, भक्ति कहती है सर्वत्र भगवान, जित देखो तित श्याम मही है। पर हमने उस अद्वैत में द्वैत की कल्पना कर ली। कैसे, आपको एक उदाहरण दूं। एक व्यक्ति गांव में रहने वाला था और बहुत वैसे गांव में बिना पढ़ा लिखा, पुराने जमाने की बात, मेला देखने गया। वो मेला गांव से थोड़ी दूर पर लगता था, 4-5 किलोमीटर पैदल चल के गया। अब मेले में उसने तरह तरह की चीज़ें देखी, मेला पहली बार देखा था, बड़ा खुश हो रहा था गांव का रहने वाला आदमी। इतनी देर में घूमते हुए गया तो एक जगह उसने एक शीशा देखा, दर्पण, ऐसा आदमकद शीशा। जो उसने देखा तो शीशे में उसने स्वयं को देखा। अब वो ये नहीं समझ पावे कि हम ही हैं। और शीशे में जैसे इसने देखा तो ये मुस्कुराया और हाथ जोड़ के बोला, भैया राम राम। तो उधर से भी मुस्कुराहट दिखी, भैया राम राम। इसने कहा, वाह वाह, बड़े अच्छे भाई साहब हैं, पहली बार मिलने में भी इतने प्रेम से। अब ये कहे, और भैया सब ठीक है, तो वो भी ऐसे कहे। बस दुकानदार से बोला, ये भाई साहब कितने के दिए? दुकानदार ने सोचा चाहे कोई दर्पण समझ के ले, चाहे भाई साहब, हमें तो पैसे से मतलब। बोले 2 रुपए के। तो मेले के लिए जितना खर्चा लाया था उसने 2 रुपए उसी को दे दिए और दर्पण हाथ में लिया। अब भाई साहब को बार बार देखे, बड़ा खुश हो। कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, अपनो सो प्रिय साथी पाके हेरी हेरी हरसायो। कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, तन मन धन दर्पण पैवारे, दिन में कीतिक बार निहारे, बार बार नतमस्तक है के बैठक में लटकायो। कृषक एक शीशा ले घर, शीशा लेकर आया, बैठक में लटका दिया। अब वो तन मन धन दर्पण पे बारे, दिन में कीतिक बार निहारे, अपनों सो प्रिय साथी पाके हेरे हेरे हरसाए। अब भीतर पत्नी के पास बैठे और थोड़ी देर में गए, अच्छा 1 मिनट रुको, अभी आया। फिर जाए, और भैया अच्छी तरह हो, बढ़िया है। फिर लौट कर आ जाए और मन में सोचे, बड़े अच्छे भाई साहब हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, बहुत अच्छे हैं भैया, वाह वाह। फिर जाए, फिर आ जाए। अब दिन में 2-3 बार ऐसे ही करे तो पत्नी को लगा कि पहले तो ये कभी ऐसे जाते नहीं थे, ये जाते कहाँ हैं। ठीक है, ये जब बाजार जाएंगे तब मैं देखूंगी। वो गए कहीं बाहर घूमने, पत्नी गई देखने कि देखूं तो क्या, ये बैठक में क्या है जो बार बार। अब पत्नी गई तो वहां तो शीशा था और शीशे में जो पत्नी ने देखा तो उसे अपनी शक्ल दिखी। पत्नी बड़ी नाराज, अब मैं समझ गई इसी की वजह से आता है। अब इसने मुक्का ताना, दांत कट गए, चू चू
तो उधर से भी मुक्का ताना, दांत खटखट। बस संभ्रम चली आई घरवारी, सनमुख सुंदर नारी निहारी, आय गई है सौत हमारी, क्रोध हृदय में छायो, कृषक एक सीसा ले घर आए। अब उसको बड़ा क्रोध हमारी सौत को ले आया है, इसी की वजह से आता है। और बस भाग पड़ी, बस मैं न रहूंगी, बिसखे हूं या डूब मरूंगी, बिस खा लूंगी मर जाऊंगी, कुएं में गिर जाऊंगी, बस रहूंगी नहीं, मैं तो अभी जाती हूं चाहे जो कुछ हो जाए। और रोना शुरू किया तो धाई सास बहु रानी ने, कैसो रुदन मचायो, कृषक एक सीसा ले घर आए। उसकी सास दौड़ी, क्या हुआ क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है बहू, क्यों रो रही है। बहू बोली, अपने बेटे की करतूत देखो, बैठक में किसको लाकर बिठाया, और मैं तो रहूंगी नहीं, चली जाऊंगी। और सास बोली, नहीं मैं देखती हूं, मैं देखती हूं। अब सास गई, और सास ने बैठक में जाके जो दर्पण देखा तो उसे बुढ़िया दिखाई पड़ी, दिखेगी। तो सास क्या बोली, अच्छा आप भाई राम राम, वो भी राम राम बोली। क्षमा करना बहू, समझ नहीं पाई। फिर बहू को डांट कर बोली, क्या कह रही है तू, बुढ़िया है, वृद्धा माता हमारी उम्र की है, सेवा के लिए लाया होगा। आई चली सास, तत्क्षण में वृद्धा दीख पड़ी दर्पण में, बहू से बोली, अरे बावरी या बुढ़िया पर मेरो लाल लुभायो, कृषक एक सीसा ले घर आए। अब बहू कहे के नहीं नहीं तरुणी है, और वृद्धा कहे के वृद्धा है। अच्छा दर्पण ऐसा जो सामने आ जाए उसी को दिखा दे। बहू सामने जाए तो तरुणी देखो ये बैठी, ये बैठी। और सास कहे हट मैं देखती हूं, वो देखे सो वृद्धा देखे। अब सास बहू का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, आके ससुर निवारो। ससुर ने कहा क्या है मैं देखता हूं, क्यों ये कलह मचा रखा है। अब ससुर आया, ससुर ने कहा तुम दोनों अलग हो। अब ससुर ने जो देखा दर्पण, तो उसे बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा। तो ससुर बोला रे भैया राम राम, आप हो, माफ करना ये समझती नहीं है। दोनों को फटकारा, दाढ़ी वालों पुरुष देख के दोनों को फटकारो। ससुर बोला, बोला ससुर अरे मूर्खाओ, धर के मानो देह लजाओ, मर न गई तुम नारी पुरुष को भेद समझ ना पायो। तुम स्त्री पुरुष का भेद नहीं समझ सकी। सास कहे नहीं है तो वृद्धा बुढ़िया है। ससुर कहे कि नहीं बूढ़े भाई साहब बैठे। और बहू कहे कि नहीं तरुणी है। अच्छा अब एक बात बताओ, इनमें कौन आदमी गलत बोल रहा है। कोई गलत नहीं बोल रहा है, पर प्रश्न ये कौन सही बोल रहा है। कोई सही नहीं बोल रहा है और कोई गलत नहीं बोल रहा है। इतने में वो व्यक्ति आ गया, गांव में गया था घूमकर, क्या है। मां बोली बैठक में किसको बिठाया है। वो बोला हमारे भाई साहब हैं। बहू बोली भाई साहब है, एक तरुणी को लाकर बिठाया। वृद्धा बोली नहीं वृद्धा है। और ससुर कहे वो पिता कहे कि नहीं वृद्ध व्यक्ति है। वो कहे नहीं हमारी तरह युवक हैं। अब जो दर्पण के सामने जाए दर्पण उसी का चेहरा दिखा दे। अच्छा अब आप बताओ, शीशा से बनते शुभ दर्शन, तापे मचो घोर संघर्षन। और इसके हाथ में जाए शीशा, उसके हाथ में जाए, इसके हाथ में जाए, और ऐसे हाथों में जाते शीशा गिर गया, टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। और जैसे ही दर्पण टूट गया तो दो बचे के एक ही, फिर दूसरा कोई था ही नहीं, न भाई साहब न तरुणी न वृद्धा न वो वृद्ध व्यक्ति, एक ही था और एक ही है और एक ही। देखो कितनी अद्भुत बात, इसी तरह वह एक अद्वैत परमात्मा ही है,
प्रेम में वह अनन्यता में एक होकर रहता है, ज्ञान में वह अद्वैत में एक होकर रहता है। ये तो माया के दर्पण के कारण द्वैत की अनुभूति हमें होती है और हम अपने ही उस चेहरे को एक में दो देख लेते हैं, भाई साहब और ये और वो, सब सारा संसार बन जाता है। लेकिन एक आदमी की अंगूठी खो गई, बड़ा परेशान, एक महात्मा मिले, महाराज मेरी अंगूठी खो गई, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, तो बताएं मेरी अंगूठी कहाँ है, बड़ी कृपा होगी। महात्मा बोले मैं बता दूंगा। तो बताओ महाराज कहाँ रह गई, कुर्ते की जेब में है, तकिए के नीचे है, कि मकान में रह गई, कहाँ रह गई, अंगूठी मिल नहीं रही। महात्मा बोले अंगूठी कहीं भी हो, पर जहाँ भी होगी सोने में ही होगी। अंगूठी सोने से अलग हो ही नहीं सकती और सच्ची बात है, हम सबसे अलग हो सकते हैं पर भगवान से अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि सोने में ही जंजीर, अंगूठी, कंगन इत्यादि आभूषण बने हैं। इसी तरह लकड़ी में कुर्सी, मेज, तखत, ये सब बने हुए हैं। इसी तरह उस एक परमात्मा में ही बालक, वृद्ध, जवान, स्त्री, पुरुष, यह सब बने हुए हैं। भगवान ही भगवान है एकमात्र। एक महात्मा थे, बड़े अलमस्त स्वभाव के संत, एक दुकान पर पहुंच गए और दुकानदार से बोले ये दुकान तुम क्यों चलाते हो? उसने कहा कि महाराज दुकान पैसा कमाने के लिए। अच्छा पैसा क्यों कमाते हो? बोला परिवार पालने के लिए। अच्छा परिवार क्यों पालते हो? बोला जीने के लिए। महात्मा बोला अच्छा एक बात बताओ, जीते क्यों हो? कहा इसका जवाब नहीं। अब महात्मा बोले अच्छा चलो जाने दो, ऐसा हाथ बढ़ाया, बोले ले, परमात्मा के, भगवान के हाथ में एक अंगूठी पहना थे, परमात्मा के हाथ। वो बोला हद हो गई बाबा, इतनी नास्तिकता का प्रचार करोगे? तुम परमात्मा हो जो कह रहे परमात्मा के हाथ में अंगूठी पहना दे? महात्मा ने अपने कान पकड़ लिए, गलती हो गई, अब नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात बताओ, ये दुनिया बनाई किसने? बोला भगवान ने, परमात्मा ने बनाई, परमात्मा की है। महात्मा बोले अच्छा दुनिया और अपना देश? बोले वो भी परमात्मा ने बनाया, परमात्मा का है। का अपना प्रदेश? बोले वो भी परमात्मा ने बनाया, परमात्मा। अपना जिला? बोले वो भी परमात्मा ने बनाया, परमात्मा। तो अपना शहर? वो भी परमात्मा ने बनाया, परमात्मा। यहाँ रहने वाले? बोले सब परमात्मा ने बनाए, परमात्मा के। महात्मा बोले तो दो को छोड़ दिया, एक हमें दूसरा तुम्हें। अरे बोले नहीं महाराज, कैसी बात करते हो, आपको भी परमात्मा ने बनाया, हमको भी परमात्मा ने बनाया, हम भी परमात्मा के, आप भी परमात्मा के, और इस संसार में जो कुछ है सब परमात्मा का है। महात्मा बोले तो ये हाथ तेरे बाप का है? मैं भी तो कह रहा था परमात्मा के हाथ में अंगूठी पहना थे, चरणों में गिर गया, बोध हो गया। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी कठिनाई यही है, उस अद्वैत में हम स्थित नहीं हो पाते और प्रेम के द्वारा उस अनन्य भाव तक पहुंच नहीं पाते। तब एक ही बात है, फिर मर्यादा, मर्यादा के अनुसार दो के बीच में रहें और भगवान के होकर रहें। भाई यही द्वैत ठीक, जाने की जीवन की बलि जई हों, चित कहे राम सीय पद परिहर अब न कहूं चली जई हों। यह है, और इसके कारण जब अंतःकरण निर्मल होता है तो प्रेम की वह दशा उत्पन्न होती है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। वह अद्वैत, या तो तू रह जाए। देखो ज्ञानी और भक्त में एक ही अंतर है, ज्ञानी के यहाँ मैं रह जाता है, मैं, और भक्त के यहाँ तू शेष रह जाते, तू। वह कहता बस तू ही तू है आरजू, यही बस तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, ये तू। और जहां तू शेष रह जाए,